बोलेंगे सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देश की जो इस टाइम बेरोजगारी दर है वो 7% है, वो इस तरह से क्यों बढ़ रही है सर? उसके बारे में केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं रोजगार बारे में कितना वो सक्षम इस टाइम? मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, पहली जो सरकारें थी और हमारी सरकार 5 साल होने जा रही है, हमारी सरकार ने जितना रोजगार दिया है, आप लगा लो पहले यहाँ जो हमारे मोबाइल की फैक्ट्री थी, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री थी, आज मैं नोएडा में एक फैक्ट्री लगी है सैमसंग की, उसके अंदर हजारों बच्चों का रोजगार मिला है। ऐसा नहीं है हमारी सरकार रोजगार बच्चों को दे रही है और आने वाले टाइम में और बहुत ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार ने चारों तरफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया हुआ है, बाहर से जो विदेशी फर्म भी आ रही हैं, उन फैक्ट्रियां लग रही हैं, चाहे हरियाणा में चले जाओ, हरियाणा में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया बन रहा है, एक जैपनीज एरिया बन रहा है, तो आज बच्चों को रोजगार पहले से ज़्यादा मिल रही है। बिल्कुल। दूसरा सर, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं अभी तक लागू हुई हैं, तो अब हमने कुछ सर्वे किए हैं गाँव में शहरों में जाकर, अधिकतर लोगों को उन योजनाओं का पता नहीं, तो इस तरह से क्यों सर उसकी अवेयरनेस लोगों तक किस तरह से पहुँचेगी उस योजना के बारे में सर? देखो जी, हमारी एक बहुत बड़ी योजना किसान सम्मान निधि योजना अभी हमने लागू की है। किसान सम्मान निधि योजना से बहुत बड़ा लोगों को फायदा होने वाला है, बहुत हमारे छोटे किसानों को फायदा होने वाला है। मैं अपने जिले में कहना चाहता हूँ, 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, करीब करीब 2 लाख लोग हमारे यहाँ है जो छोटे किसान है, और 2 लाख लोगों में मैंने खुद 25,000 लोगों को अभी 2 दिन पहले किस्त उनके खाते में दिए, मैंने शुरुआत की है, बहुत जल्दी उन 1.5 लाख लोगों को बहुत जल्दी